नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ वक्ता सुलगता। सवाल में आज ऐसे सवाल उठाएंगे जिसकी चिंगारी से उद्धव ठाकरे जल जाएंगे, तपिश से केजरीवाल भुन जाएंगे, क्योंकि दोनों की गैंग को लेकर एक चौंकाने वाला जबरदस्त खुलासा हुआ है। सबसे पहले आपको महाराष्ट्र से आ रही भ्रष्टाचार की नई खबर बता देते हैं। नवाब मलिक देशमुख के बाद अब बीएमसी में प्रोजेक्ट के नाम पर करोड़ों की घोटालेबाजी सामने आई है, जिससे उद्धव ठाकरे बुरे फंस गए। सबूतों के साथ ये खुलासा बीजेपी ने किया है, जिससे महाराष्ट्र में बड़ा सियासी भूचाल आ गया है और सवाल सुलग रहा है। पहला सुलगता सवाल, क्या उद्धव की शह पर घोटाले हो रहे हैं? दूसरा सुलगता सवाल, क्या घोटालों की रकम उद्धव तक पहुंच रही है? तीसरा सुलगता सवाल, क्या घोटाले से जाएगी उद्धव की कुर्सी? ये सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि जो भी घोटाला महाराष्ट्र में सामने आ रहा है उसका कनेक्शन उद्धव की अघाड़ी गैंग से जुड़ रहा है और ठाकरे चुप बैठकर तमाशा देख रहे हैं, जिससे ये आशंका जताई जा रही है कि कहीं हिस्सेदारी की रकम उनके मातोश्री तक तो नहीं आ रही, इसीलिए तो उद्धव ठाकरे चुप्पी साधे नहीं बैठे। खैर, ये तो जांच के बाद साफ हो जाएगा। अब ये मामला उठा कैसे, तो चलिए इसकी तरफ भी नजर डाल लेते हैं। दरअसल महाराष्ट्र बीजेपी नेता और विधायक अमित साटम ने बीएमसी पर संगीन आरोप लगाए। साटम के मुताबिक टनल लॉन्ड्री के टेंडर प्रक्रिया में तगड़ा घोटाला हो रहा है, जो कि तकरीबन 160 करोड़ रुपए का हो सकता है। इस प्रक्रिया में बीएमसी के अधिकारियों को भी घूस मिलने की आशंका है। बीजेपी नेता की अगर माने तो उनके पास इसके पुख्ता सबूत हैं, और अगर जांच एजेंसी इसे सामने नहीं लाती तो वो सही समय पर इसकी सबूत के साथ पोल खोल देते। बीजेपी नेता ने यह भी कहा है कि टेंडर प्रक्रिया पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि उसमें एक शर्त है जो कि तकनीकी बारीकियों से जुड़ी हुई है और अहम है। टेंडर अगर ध्यान से पढ़ें तो ये साफ समझ आता है कि ये शर्तें कुछ कॉन्ट्रैक्टर को सामने रखकर बनाई गई हैं और शर्तों को इस हिसाब से मोड़ा गया है। टेंडर के लिए सीवीसी और बीएमसी के कुछ नियम हैं, जिसमें सबसे बड़ा नियम है कंपनी का अनुभव, लेकिन इस प्रक्रिया में ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। बीजेपी ने सुलगता सवाल ये भी उठाया है कि टीबी मरीजों के अस्पताल में ये टनल लॉन्ड्री कैसे बना सकते हैं, जबकि कपड़े सूखने के लिए उन्हें खुले में रखना पड़ता है, क्या इससे इन्फेक्शन नहीं फैलेगा? और तो और, राज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे अनुमति इसी कारण की वजह से नकारी थी, फिर भी टेंडर दिया गया। यानी कि आपने अपने फायदे के लिए लोगों के जीवन और स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया, सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए, अपनी जेब भरने के लिए। बीजेपी ने इस मुद्दे को यहीं खत्म नहीं किया। बीजेपी नेता ने बीएमसी आयुक्त को खत लिखकर इस टेंडर प्रक्रिया को रद्द करने की मांग की है और जो दोषी अधिकारी हैं या फिर इस घोटाले में शामिल हैं उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की भी मांग की है। अब देखिए कि कैसे उद्धव के नेता हों या मंत्री, हर कोई किसी न किसी काम के जरिए भ्रष्टाचार का जहर फैला रहा है। अब बीएमसी को चूना लगाकर 160 करोड़ का घोटाला सामने आया है, जिससे सवाल सुलग रहा है कि क्या उद्धव ठाकरे इस पर एक्शन लेंगे या फिर इसका ठीकरा भी बीजेपी पर फोड़ देंगे और आरोप लगाएंगे कि बीजेपी ने फंसाने के लिए ये सब किया है। लेकिन जनाब, सबूत है, इन्हें मिटा नहीं सकते, इन्हें जुटला नहीं सकते, क्योंकि इन सबूतों ने ही अनिल देशमुख को सलाखों में डाला है, इन सबूतों ने ही नवाब मलिक को जेल भेजा है और इन सबूतों ने ही आपके चहेते यशवंत जाधव का मनी लॉन्ड्रिंग खेल खोला है। तो कितने घोटाले छुपाएं, वक्त है इन घोटालों से आपकी कुर्सी जाने का और ये खेल भी जल्द ही होने वाला है। एक तरफ उद्धव फंस रहे हैं तो दूसरी तरफ दिल्ली में बैठे केजरीवाल तिलमिला रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के लिए आए मोदी के तगड़े बिल को अमलीजामा पहना दिया गया। बड़ी खबर ये आ रही है कि दिल्ली के राज्य चुनाव आयुक्त, नगर निगम चुनाव से जुड़ी सभी तैयारियों पर रोक लगा दी गई है, जिससे आपा पीटने वाले केजरीवाल के तोते उड़ गए हैं, क्योंकि केजरीवाल लगातार दिल्ली की तीनों नगर निगमों को एक करने के बिल का विरोध कर रहे थे। लेकिन मोदी ने भी ठान लिया था कि नगर निगम में होने वाली घपलेबाजी को रोका जाएगा, विकास होगा, निगम के कर्मचारियों को तनख्वाह के लिए रोना नहीं पड़ेगा, बिचौलिया खत्म हो जाएंगे, फिर चाहे इस बिल के लिए केजरीवाल अड़ंगा डालें या फिर कांग्रेसी। तमाम अड़चनों के बीच भी मोदी सरकार इस बिल को पहले लोकसभा में पास करवाने में कामयाब हुई,
फिर राज्यसभा में मंजूरी मिली और आखिर में राष्ट्रपति ने मोहर लगाकर इस बिल को पास कर दिया, जिससे दिल्ली के तीनों नगर निगम एक हो गए। और अब चुनाव की तैयारियों पर भी दिल्ली में रोक लगा दी गई है, जिससे केजरीवाल साहब को तगड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि नटवर लाल ने तो आम आदमी पार्टी का टिकट बेचने के बदले अपने नेताओं से करोड़ों की वसूली तक कर ली थी। अब चुनाव टल गए तो कहां से वो पैसा लौटाएंगे? पैसों को लेकर तो सत्येंद्र जैन की पोल खोलने वाले एक नेता से हमने कल ही आपको मिलवाया था और दिखाया था कि कैसे वो केजरीवाल की गैंग पर टिकट के लिए 1,15,00,000 रुपए लेने का आरोप लगा रहे थे। अब तो केजरीवाल सर पकड़कर रो रहे हैं, क्योंकि मोदी के नए दांव ने उन्हें कंगाल कर दिया। समझिए कैसे दिल्ली के नटवरलाल और महाराष्ट्र को दोगले उद्धव लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अपनी जेब भर रहे हैं। महाराष्ट्र में एक के बाद एक घोटाला सामने आ रहा है और दिल्ली में आप टिकट बेचने का धंधा चला रही है, जिस पर मोदी सरकार में लगाम लगा दी गई है। और अब वो वक्त भी दूर नहीं है जब महाराष्ट्र के भ्रष्टाचारियों में मोदी का बुलडोजर चलेगा और उद्धव के सारे भ्रष्ट नेताओं का खेल खत्म हो जाएगा। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही, कल फिर नए सुलगते सवालों के साथ पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।